दोस्तों मैं हूँ इस टाइम जो है जबरा पैलेस। ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये जबरा पैलेस है और आज मैं दिखाता हूँ आपके लिए दोस्तों यहाँ का गांव और गांव का रहन सहन और गांव का यहाँ पर किस तरीके से जो है लोग रहते हैं। और ये देखिएगा मेरे सामने का, ये देखिएगा दोस्तों ये जबरा पैलेस है पूरा जो आप मेरे सामने देख रहे हैं। और हम चलते हैं इससे आगे जो यहाँ जो सऊदी गाँव में किस तरीके से रहते हैं। आप बने रहिएगा मेरे वीडियो के साथ में। और देखिए हम बैठते हैं गाड़ी में आजिम भाई के साथ में, ये देखिएगा। सलाम अलैकुम आजिम भाई। देखिए ये हमारे आजिम भाई हैं, इन्होंने आज हमें मेहमानदारी में बुलाया है। और इन्होंने इनका भी जो है एक अपना चैनल है आस्क ब्लॉग्स का, बहुत अच्छी अच्छी माशाल्लाह वीडियो बनाते हैं। और मैं इनका चैनल का जो है लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और दूसरी बार इन्होंने जो है ताइफ के अंदर बुलाया है मेरे लिए, इनकी मोहब्बत और प्यार है दोस्तों। चलिए आज इनके साथ में हम चलते हैं। देखिए अब हम आजिम भाई के साथ में बैठ गए हैं और ये हमें लेके चल रहे हैं। तो हमारी खुश नसीबी है कि आपके साथ बैठे हुए हैं। बैठे नहीं है, आपने बुलाया हैगा भाई हमारे लिए, तो बहुत बड़ी बात है। कौन बुलाता है, हमने बहुत बड़े यूट्यूबरों को नहीं देखा है आजिम भाई, किसी ने नहीं बुलाया है। आप तो दूसरी बार हमारे लिए ताइफ के अंदर बुलाया है, ये बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह। यूट्यूबर बनना तो ये पब्लिक का प्यार है, इनकी मोहब्बत है। तो मेरे दोस्तों आज हम मुशर्रफ भाई के साथ में है और आप लोगों को मुशर्रफ भाई के साथ में दिखाते हैं यहाँ का गाँव, जो आउटसाइड का मतलब जो सऊदियों की रिहाइश वाला एरिया होता है ना, तो वो पूरा एक एक चीज आप लोगों को दिखाने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहें। चलिए मुशर्रफ भाई आपको टूर कराते हैं, साथ में हम भी हैं, तो एंजॉय करिए। देखिए यहाँ चलिए अब यहाँ से हम चलते हैं गांव की तरफ फिर वहाँ का नजारा आपके लिए दिखाते हैं। और देखिये ये है जबरा पैलेस मेरे सामने, अब यहाँ से हम चल दिए हैं। अब मैं इसका सामने का आपके लिए व्यूज दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों क्या व्यूज है दोस्तों, ये 1800 साल पुराना महल है। ये देखिए दोस्तों 1800 साल पुराना महल है दोस्तों ये। और ये है सामने का व्यूज दोस्तों, ये पूरी जो है ना ये सऊदियों की रिहायशी एरिया है। चलो ये रिहायशी, ये सऊदियों की पूरी रिहायशी एरिया है और यहाँ पर आपको अजनबी बहुत कम मिल जाएंगे। अजनबी जैसे जो वर्कर होते है ना, जी या तो ड्राइवर मिलेंगे या फिर जो मतलब छोटी एक आध दुकान जो यहाँ पे होती है, जी वो वर्कर मिलेंगे। अच्छा। लेकिन उनका रूम अलग होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। हाँ, और बाकी ये पूरा A to Z ये सऊदियों की रिहाइश एरिया है। हाँ, तो ये लोग ज्यादातर ना सिटी से बाहर पसंद करते रहना क्योंकि इनको सुकून चाहिए। बिल्कुल और सुकून के लिए ये लोग एकदम सिटी से आउटसाइड एरिया में, पहाड़ी एरिया, जंगल एरिया, ऐसी जगहों पे आप घर जो ये लोग वहीं पर रहना पसंद करते हैं। हाँ, अभी देखिए सामने ये पूरा पहाड़ी एरिया आ गया। बिल्कुल सही बात है। अभी हमारे यहाँ ऐसी यहाँ पे कोई रहेगा? बिल्कुल। लेकिन बस यहाँ पे एक चीज की खासियत ये है कि चाहे एक घर हो या 10 घर हो, पक्के रोड, इलेक्ट्रिक, यानी हर फैसिलिटी यहाँ की हुकूमत देती है ना, तो इनको कोई टेंशन नहीं है। बात तो सही है। हाँ, तो इसके लिए ये लोग अभी देखिए यहाँ पर ये छोटा सा पार्क है। बिल्कुल सही बात है, ये देखिए बच्चों के लिए पार्क भी बनाया गया है। अपने यहाँ कहाँ बनता है? बिल्कुल सही बात है, ये हकीकत है। हाँ, देखिए सारा ये रिहायश एरिया है आजिम भाई, यानी ये पूरी ये रिहायश एरिया और आगे मतलब गांव एरिया है पूरा, ये समझ लीजिए। हाँ, ये गांव एक हिसाब से बोल लीजिए। और ये जो है ना देखिए कितनी चढ़ान वाला रास्ता है। बिल्कुल, ये देखो चढ़ाई आ रही है। ये जो है ना ताइफ शहर, ये पूरा पहाड़ी एरिया है। पहाड़ी एरिया है, बिल्कुल सही बात। और ये जितना भी ये सब घर वगैरह ये बने है ना, सब पहाड़ी पे बने हुए हैं। काट काट के पहाड़ी पे ये सब घर बने हैं। ताइफ शहर के अंदर आपको रोड लेबल में मिलेगा ही नहीं। मैंने ये देखा आजिम भाई, हर थोड़ी दूर के बाद मस्जिद जरूर मिलती है यहाँ। हाँ, यहाँ पे माशाल्लाह मस्जिद भाई, इस्लामिक कंट्री है ना। बिल्कुल सही बात है। अब देख लीजिए ये इनका गांव है। बिल्कुल। अब ये गांव का ये चौराहा बोल लीजिए, ये गांव की छोटी सी मार्केट है। देखिए सही बात है, जो भी दुकान 10-20 दुकान होगी, सुपर मार्केट छोटी मिल जाएगी। अलचहाब सुपर 4 फुट कुसूट, ये देखिए। हाँ, अब गाँव में ही देखिए इनके यहाँ पे पेट्रोल पंप भी देखिए आपको मिल जाएगा देखने को। तो मतलब इनके गांव में एक फैसिलिटी होती है कैसे अपने यहाँ। ये देखिएगा, देखिए पेट्रोल पंप कितना पुराने टाइप का बना हुआ है, ये देखिएगा दोस्तों। वीडियो आप पॉज करो, देखिए दोस्तों, देख रहे हैं ना। अब यहाँ से ना जी, अब यहाँ से देखिए गांव की मार्केट खत्म हो गई है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, क्योंकि ये गाँव साइड एरिया ना, बस जरूरत की दुकानें यहाँ पर गाँव में मिल जाती है। ये सब देखिए पूरा, ये सामने ये मदरसा आपको दिख रहा होगा इनके गाँव का। ये मदरसा देखिएगा, और गांव का मदरसा भी तो खूबसूरत। तो ये सब चीजें देख लीजिए। और बाकी अगर जो
इनको मुशर्रफ भाई अगर जैसे बड़ी मार्केट करनी होती जी, है ना, जी, जी। तो फिर ये लोग सिटी की तरफ जाते शहर की तरफ जाते हैं। हाँ। तरफ जी हाँ। और शहर की तरफ ये लोग ज्यादातर शाम के वक्त में निकलते हैं। हाँ। और देखिए ये इनका गांव एरिया है ना, यहाँ पर देखिए कोई भी रोड पे या गली में कोई बच्चा खेलते हुए ये सब नहीं मिलते। अब देखो उन्होंने पहाड़ी, देखो गांव के ऊपर, देखो पहाड़ी के ऊपर जो है घर बना रखा है। अभी देख लो आगे जो है कितनी ऊंची पहाड़ी, पहाड़ी पे देखिए आप, क्योंकि ये पूरा पहाड़ी काट काट के ना ये पहाड़ी पे पूरा घर ये लोग बनाए हुए है। तो ये फिर पानी का इंतजाम कैसे होता होगा ऊपर के लिए? पानी का इंतजाम व्हाइट जो टैंकर होता है ना वो ऊपर जाता पानी। हाँ, वो टैंकर लेकर के आते हैं। हाँ, ये बात मोबाइल से सही से अपना कैप्चरिंग करो ना। ये देखिए ये पूरा खंडर एरिया पड़ा हुआ है। देखिए हाँ, किसी की जमीन होगी कभी बनाएगा पहाड़ी टाइप में। ये देखिएगा दोस्तों वीडियो कहाँ बना रहे हो। देखो ये फिर मार्केट आ गई आजिम भाई की छोटी सी। वो एक आध दुकान कहीं कहीं ऐसे मिल जाती है। हाँ। बाकी देखिए कहीं नहीं है, वो ये पूरा रिहायशी एरिया है ना। एरिया गांव का मतलब। हाँ, ये पूरा गांव है गांव। और हाँ, इस गांव का नाम है जबरा वादी। जबरा जबरा वादी यानी वादी बोलते हैं गांव को। जी, जी, जी। और जो जबरा है तो ये उस जमाने में कोई कबीला था जबरा का, जबरा कबीला। ये देखिएगा साइड में, ये देखिएगा ये पूरा मतलब पहाड़ी के ऊपर नीचे इस तरीके से जो है सारा बना हुआ आएगा। ये पूरा पहाड़ी एरिया है। और ये देखिए ये भी पहाड़ी के ऊपर है। देखिए पहाड़ी को अभी देखिए मैं यहाँ पे अभी टन लेकर के दिखाता हूँ। इधर भी देखिए अभी अभी वन पे कर दीजिए, वन पे थोड़ा सा जो है ये सब और सही से आएगा। चलती वीडियो में भी वन कर दिया करिए, जिस हिसाब से जरूरत रहे ना उस हिसाब से कर लिया करो ना। ये सब मत करो ना, रबड़ को खींचना पड़ रहा है। सर्विस ठीक नहीं है। ना ना ना, देखो हम लोग इस गांव में देखिए कितनी ऊंचाई पे हम लोग चढ़े हैं और गांव देखिए नीचे है। ऐसा लगता है जैसे हम ड्रोन शॉट ले रहे हैं। ये देखिए ऐसा लगता है जैसे हम ड्रोन शॉट ले रहे हैं। देख रहे धीरे धीरे पूरा कच्चा एरिया आ गया। देखिए पूरा है। हाँ, ये क्योंकि गांव है ना मेरे भाई। ये सब देखिए यहाँ पर तो अभी रोड भी नहीं बना हुआ है। देखिए हाँ, रोड कहीं बना है कहीं नहीं बना है, ऐसे कच्चे पक्के ऐसे देखिए है। वहाँ पर देखिए आगे काम चल रहे हैं। जी जी बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो ऐसे ही है कच्चे पक्के। ये तो रोड बंद हो रुका है। यहाँ पीछे मोबाइल ऊपर रखो और ऐसे करो जैसे जरूरत पड़े वैसे आके पीछे किया करो। तो देख रहे हैं पूरा देखिए यहाँ पर कच्चा कच्चा, कच्चा पूरा एरिया है गांव का। ये देखिएगा आप उधर मत देखा करो, आप इस पे देखिए ध्यान रखिए तब वीडियो सही बनेगी। उस पर ध्यान रखा करो वीडियो क्या मांग रही है, किधर मांग रही है घुमाने को। मोबाइल की स्क्रीन पे ध्यान रखा करो। कितनी चढ़ाई है ऊपर है नाजिम भाई। पूरा ये पहाड़ी एरिया है ना। ताइफ शहर जो है ना ये पूरा पहाड़ों में बसा हुआ है। ये देखिए और ये ताइफ शहर बहुत ही मुबारक शहर है क्योंकि यहाँ पे हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ पे जो है परवरिश हुई थी। 4 साल की उम्र में बकरी भी चुकाई थी यहाँ पे। हाँ, बकरी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चराए थे वो क्या नाम है वादी बनिशाद में, जहाँ पे दाई हलीमा उनकी परवरिश की थी। बिल्कुल सही बात है। हाँ, वहाँ पे चराते थे। और ताइफ में ये तकरीबन यहाँ से 40-50 किलोमीटर की दूरी पे है। बड़े ऊंची नीचे रोड है हर जगह देखिएगा। हाँ, ये सब देखिए पूरा गांव एरिया है, देख रहे हैं ना। बिल्कुल सही बात है। और कोई कोई गांव तो ऐसा है ना कि जाओगे तो खंडर ही मिलेंगे। जी जी आपकी सही नहीं बनती है। ये देखिएगा हम ऊंचाई पे हैं लेकिन पूरा व्यू दिखा देते हैं जो है। ये क्या शानदार इसका व्यू है, टाइप का नजारा। ये देखिए सामने कितने नीचे पे जो है ये घर बना हुआ है दोस्तों। ये देखिएगा और हम बहुत ऊंचाई पे हैं और मैं दिखा रहा हूँ आपको ये व्यूज घर का। ये दोस्तों ये देखिए पूरा दोस्तों देखिए ये सारे कच्चे रोड हैं दोस्तों। ये देखिए दिखा दे भाई बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें और सब देखें और यहाँ का जो गांव होता है ना गांव का भी एक नजर।
लेकिन अपने गांव के और यहाँ के गांव में बहुत फर्क है। तो गांव भी जो है यहाँ का शहर वाला लग रहा है, लेकिन रोड असल बात क्या है ना कि यहाँ की हुकूमत इनको फैसिलिटी देती है ना। बिल्कुल, सबसे अलग पानी बिजली रोड ये बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ की हुकूमत फैसिलिटी देती है विधायक को, मंत्री को। सही बात है, ये हकीकत है। अगर 10 रुपया काम करने के लिए आता है तो 5 रुपये तो उसमें खा जाते हैं। सही बात है। अब देख लीजिए पूरा जंगल साइड एरिया, ये कितने ऊंचे ऊंचे मतलब एक ऊपर इस तरीके पहाड़ी के ऊपर जो है पूरे बने चले गए मकान। और ये देखिए पीछे ये झाड़ियां वगैरह पेड़ हैं पुराने, ये देखिएगा दोस्तों कितने बन करो।